इस अगले क्रम में डॉक्टर संदीप श्रीवास्तव जी, सहायक आचार्य बीएड विभाग, महाराणा प्रताप महाविद्यालय जंगलधूसर गोरखपुर। कपूर गौरव कमला बतारम अंतर तारक हारम सदा सुंदर विजया बिंदे और भवानी चैतन नमा। राष्ट्रपति के श्री चरणों में स्वयं को समर्पित करते हुए आज के विषय भारत नेपाल सांस्कृतिक अंतर संबंधों की विकास यात्रा अतीत से वर्तमान तक नेपाल से आए हुए हमारे विद्वज्जन, दर्शक दीर्घा में बैठे हुए विद्वज्जन, शिक्षकगण और विद्यार्थियों को यहाँ मंच से सादर प्रणाम करता हूँ। आज का विषय मेरा विषय है तिलक और सिंदूर के पवित्र योग में भारत और नेपाल का अखंड संबंध। भारत नेपाल का संबंध तिलक और सिंदूर के संयोग का सांस्कृतिक और सामाजिक प्रतिमान है। यह रिश्ता केवल मात्र सीमा की लकीरों में दिखने से भला बटा प्रतीत होता है, पर यह अटूट आस्था और विश्वास के स्नेह की दौर में बंधा है, जिससे मिथिला की नारियां अपनी मिठास भरी गालियों में, यानी कि वैवाहिक लोक गालियों में भी अवध नगरी के लोगों को अधिकार से सुशोभित करती है और उस गाली की मिठास को सुनने के लिए यहाँ के जन जन मनोहार हो जाते हैं। रामायण काल में प्रभु राम और माता सीता जानकी के मिलन और विछोह का साक्षी भारत और नेपाल का कण कण रहा है। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के कई प्रसंगों में यहाँ के प्राकृतिक दृश्य प्रदृश्य को स्वर्णिम पर्णियों पर घेरा गया है। नेपाल में गुरु गोरखनाथ की संत परंपरा ने नाथ पथ यहाँ पंथ के साक्षी भाव में भारत नेपाल में एक दूजे को चंदन की शिथिलता के रूप में माथे पर सहजने का भी कार्य किया है। नेपाल के ऐतिहासिक भौगोलिक और सांस्कृतिक इतिहास से ज्ञात होता है कि नेपाल अविच्छिन्न रूप से हिंदुत्व से अनुप्राणित, प्रभावित और संचालित हिंदू राष्ट्र है। वैदिक सनातनी हिंदू और बौद्ध संस्कृति की खुली मिली अमित छाप इसके कण कण में सर्वत्र प्रत्यक्ष और प्रकट है। पहले जो सांस्कृतिक विरासत कई छोटे छोटे क्षेत्रीय भूभागों में बिखरी हुई थी और 17वीं शताब्दी में जब श्री अवतारी महायोगी गुरु गोरक्षनाथ के आशीर्वाद से तत्कालीन नरेश महाराजाधिराज पृथ्वी नारायण शाह ने 22वीं और 24वीं नाम के विख्यात छोटी छोटी 46 नेपाली रियासतों को जीत कर एकीकृत वर्तमान बृहद नेपाल राज्य का निर्माण किया, तब से यहाँ की संस्कृति में हिंदुत्व की वैदिक सनातनी बौद्ध और जैन आदि के पुट में सभी शामिल हैं और हिंदुत्व की अजस्त्र धारा निरंतर नेपाल में प्रभावित हो रही है। अखिल विश्व में हिंदू राष्ट्र के रूप में इसकी पहचान हो रही है, क्योंकि नेपाल में वर्तमान शासकों शाहवंशी राजाओं के गार्जियन डाइटी यानी अभिभावक देवता के रूप में गोरखनाथ जी और गुरु गोरखनाथ जी की चरण पादुका को आज भी अपने राजमुकुट और राजमुद्रा में धारण करते हैं। इसलिए हमारे पड़ोसी हिंदू राष्ट्र का निकट आत्मिक संबंध नाथ संप्रदाय से भी है। नेपाली संस्कृति प्रभु राम और सीता के मिलन का साक्षी भी है। अपने दामाद प्रभु राम के लिए नेपाल ने अपनी आस्था परंपरा को भावों के मिलन में अगाध प्रेम के रूप में ढेल दिया है, जिसका जीवंत उदाहरण हम सब ने अयोध्या में वर्षों से अपनी दिव्यता की बाट छू रहे प्रभु राम की अलौकिक देवत्व प्रतिमा के लिए नेपाल के काली गंडकी की विशाल शालिग्राम शिला को भेज कर अपने ससुराल भाव के पक्ष को भी मजबूत किया है। काली गंडकी नदी के शालिग्राम शिला से बनी प्रभु श्री राम की मूर्ति अपनी दिव्यता को, अपने प्रभाव को, तेज को प्रकाशित करती है। 20 टन के क्वार्जाइट और 20 टन के करियाल साइट नामक शिला के विद्वत उपकरण और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नेपाल की गंडकी नदी के शालिग्राम के करीब प्रभु राम की मूर्त अलौकिक देवत्व शक्ति से परिपूर्ण है। काली गंडकी नदी को नेपाल के शालिग्रामी या शालिग्रामी मैदान में नारायणी और सप्त गंडकी भी कहते हैं। यूनानी भूगोलविद्ताओं की किताबों में उल्लिखित कोडोचेट्स तथा महाकाव्यों में उल्लिखित सदानीरा और नारायणी नदी भी यही है। यह नदी हिमालय से निकलकर दक्षिण पश्चिम में बहती है, भारत में प्रवेश करती है। त्रिवेणी पर्वत से पहले इसमें एक सहायक नदी गंगा मिलती है। यह नदी काफी दूर तक उत्तर प्रदेश, बिहार और अन्य राज्यों की सीमा को भी निर्धारित करती है। उत्तर प्रदेश में यह नदी महाराजगंज कुशीनगर जिले से होकर बहती है। बिहार में यह चंपारण, सारण और मुजफ्फरपुर जिलों में होकर बहती है। 192 किलोमीटर की लंबी यात्रा तय करने के बाद पटना की प्रमुख गंगा नदी में मिल जाती है। इस नदी की कुल लंबाई 1310 किलोमीटर है। गंडकी नदी के गर्भ से जीवित शालिग्राम पाए जाते हैं
इस पत्थर को साक्षात विष्णु का स्वरूप माना जाता है। नेपाल की गोद में बसे नेपाल की उत्तरी सीमा तिब्बत से मिलते हैं तथा इसके पूर्वी पश्चिमी और दक्षिण भाग भी नेपाल से लगते हैं। भारत और नेपाल हिंदू बौद्ध धर्म के को स्वयं में अंगीकार करते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी महापरिनिर्वाण कुशीनगर भारत में है, जहाँ सैलानियों की भीड़ हर वर्ष हर मौसम में बनी रहती है। रामायण सर्किट की योजना दोनों देशों के मजबूत सांस्कृतिक एवं धार्मिक रिश्तों को और भी प्रगाढ़ बनाते हैं। नेपाल भारत और चीन के मध्य स्थित है, जहाँ विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। विश्व की 14 सबसे उच्च चोटियों में 8 यहीं पर है। भारत नेपाल के अंतरराष्ट्रीय संबंधों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वर्तमान भविष्य और अंतरराष्ट्रीय संबंधों का विश्लेषण है। भारत नेपाल और हिंदू बौद्ध धर्म के सांस्कृतिक विरासत को साझा करते हैं। बौद्ध आस्था में तथागत बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी नेपाल की पावन धरती पर है, जहाँ भगवान बुद्ध की लोरिया जमायर हुई। राजसी वैभव में लालन पालन और युवा राजत्व की अल्हड़ बाल्य अवस्था का कौतूहल और वैराग्य की पूरी यात्रा नेपाल के ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थल के चिन्ह परिदर्शकों में आज भी विद्यमान है। दोनों देशों के नागरिकों के बीच आजीविका के साथ साथ विवाह और पारिवारिक जनजीवन के संबंधों की नींव आपसी सौहार्द के तले बेहद मजबूत है, जिसे आज भी आम जन जीवन में बेटी और बेटी के रिश्ते से संबोधित किया जाता है। भारत नेपाल में सांस्कृतिक विरासत सामाजिक आर्थिक धार्मिक राजनीतिक समृद्धता प्रदर्शित होती है। भारत और नेपाल का भौगोलिक बल्कि ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक संबंध भी है। दोनों देशों की सीमाओं में भारत में लगभग 20 जिले और नेपाल के लगभग 26 जिले दोनों देशों की सीमाओं पर स्थित है। भारत के 5 राज्य सिक्किम उत्तराखंड उत्तर प्रदेश पश्चिम बंगाल और बिहार से अपनी सीमाओं को भी आज साझा करते हैं। रामायण काल में महाराजा जनक की राजधानी जनकपुर जिसे मिथिला कहते हैं वह नेपाल के भौगोलिक प्रक्षेत्र में स्थित है। नेपाल की प्राचीनता के संदर्भ में प्रमुख पौराणिक ग्रंथों रामायण वाल्मीकि रामायण स्कंद पुराण देव पुराण वराह तंत्र में भी यहाँ के प्रकृति के कण कण का वर्णन किया गया है। महाभारत काल में नेपाल के लोगों ने पांडवों की ओर युद्ध किया था, इसका भी साक्ष्य ग्रंथों में उल्लेखित है। मौर्य वंश गुप्त वंश और कालांतर में नेपाली राजकुमारियों ने वैवाहिक जीवन के साथ साथ यहाँ की भारत की राजसत्ता में भी अपना प्रतिनिधित्व किया है। अपने इस नेपाल की यात्रा में कई संस्मरण मुझे याद आते हैं, क्योंकि मेरा जो विषय है वो मुख्य जो है फोटोग्राफी के साथ हेरिटेज के फील्ड में भी काम करता हूँ और नेपाल की स्पेशली वहाँ की धरोहरों को सहेजने का भी लगातार कार्य कर रहा हूँ। जब भी मैंने वहाँ यात्रा की है उस संस्मरण में बताऊँ की वहाँ पे एक मंदिर है दावनी देवी के मंदिर में, साथ ही साथ वहां एकदम पहाड़ से सटा हुआ है बाबा धाम मंदिर जो है बहुत ही ऊंची पहाड़ी पर है और 108 शिवलिंग के आपको दर्शन होते हैं। पूरी यात्रा में आप 108 शिवलिंगों को धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जाते हैं तब आप पहाड़ की चोटी पे आप जाने होते हैं। जब हम लोग इस यात्रा को कर रहे थे, मैं था मेरे पुत्र थे, इस यात्रा को कर रहे थे, तो पूरे यात्रा में हमने देखा कि बहुत ही कठिन और दुर्गम पहाड़ियों पर जाते हैं। शाम को 6-7 बज चुके थे और वहां से लौटना जो है संभव नहीं था। वहाँ के लोग कितने सहज और सरल थे, उन्होंने कहा कि आज आप कहीं मत जाइए और आज की रात हमारे साथ यहीं रहेंगे। लेकिन भी मन आतंकित था, पता नहीं क्या, क्योंकि पहली बार गए हुए थे, बहुत से ढेर सारे सवाल मन में उठ रहे थे और फिर भी हम जो है वहाँ से लौट आए और आते आते नीचे तक एक संजोग ये रहा कि जैसे ही वहाँ पहाड़ से नीचे उतर रहे थे दावनी देवी के पास में वहाँ पे जो कहते हैं कि जो कुत्ते होते हैं वो हमें दूर से हमारी जो है पैरों की आहट क्योंकि जब अंधेरा होता था कुछ भी नहीं दिखाई देता, शायद उस परिक्षेत्र में केवल हम दो मानुष थे। और तीसरा हमारा जो सहयोगी साथ देने वाला जो हमारा इंतजार कर रहा था, हमारी आवाज पहचानना था, हमारे पैरों की जो है देखिए किसके को देख रहा था, वो वहां का सजग प्रहरी कुत्ता था। जैसे उसने हमें हमारी आवाज सुनी पूरे माहौल कुत्तों की छोटी पड़ी हो गई और जब तक हम उस कैंपस से बाहर नहीं आ गए तब तक कुत्तों ने हमारा साथ नहीं छोड़ा। तो एक होता है कि एक मानवीय के साथ साथ एक पॉजिटिव जो आपका एक संबंध होता है वो भी आपके साथ स्थित हो जाता है। साथ ही साथ आपको बताऊं कि जब वहां पे हमने गए त्रिवेणी धाम मंदिर, त्रिकुट पर्वत के चारों ओर प्राकृतिक वातावरण सुरक्षित है। अपने श्रीमद् भागवत के 3 अध्याय में गजन मोक्ष स्तुति में भी उस गजन में अपने त्रिवेणी धाम का वर्णन किया गया है। जब हाथी जो है उस त्रिवेणी नदी में स्नान कर रहा है और एक मगरमच्छ, क्योंकि वो प्राकृतिक वातावरण
हाथी अपने ईश्वर को अपने आराध्य को पुकारता है, भगवान विष्णु का स्मरण करता है और भगवान विष्णु अपने आराध्य को अपने भक्त को आशीर्वाद देने के लिए वहां आते हैं और उस गज को सुरक्षा भाव देते हैं। आज भी त्रिवेणी धाम के मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति जो है साउथ दक्षिण शैली में एक मूर्ति स्थापित है। बहुत ही मनोरम और प्राकृतिक वातावरण होता है, स्पेशली आज के शोध पत्र में जिस तरह से हमारे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक और विरासत। अभी आपने देखा था कि 2015 में जब भूकंप आया पूरा नेपाल थरथरा उठा था, वहां की विरासत थरथरा जिसे हम थरथरा मीनार भी कहते थे, वहां की प्राकृतिक और ऐतिहासिक विरासत जो दोस्तों शामिल थी वो थरथराशाही हो गई थी। और यहाँ की जन जन वो करुण भाव से वो दृष्टि भाव से भरे हुए थे, कहीं ना कहीं वो हमारी मानवीय चेतना थी कि आज भी नेपाल से हमारे उस रिश्ते पर प्रकार करते हैं कि वहां भी कोई घटना होती है तो यहाँ भी हमारा मन विचलित होता है, जहाँ हमारे आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं और जहाँ वहाँ पे कोई भी समय होता है जब हमारी छुट्टियां होती है तो उसके साथ साथ जैसे प्रभुराम का यहाँ जयकार हो रहा था, शालिग्राम वहां से निकाला जा रहा था और उसको जब जब रास्ते से रास्ता गुजारा जाता